जी नीरज जी आशुतोष जी जी, आप दूसरे कौन लोग हैं जो बोलना चाहते हैं बोलिए। डीएस द्विवेदी है, कौन है? आशुतोष जी जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं अनंत आचार्य ओडिशा से बोल रहा हूँ सर। सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और मैं यहाँ सिर्फ दो चार मिनट आपसे बात करूंगा। पहले देखिए, ये जो भी हुआ है इसके लिए जिम्मेदार सबसे नंबर वन है मीडिया, दूसरे नंबर पर आता है जुडिशियरी, तीसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट, और बाकी जो बचे कुचे हुए संस्था को मैं दूंगा। देखिए सीमा हैदर, हमारा क्या लगती है, आज तक नेशनल का मेन चैनल सब उसी को दिखाते रहते हैं, लेकिन करोड़ों निवेशक और लाखों वर्कर का बात कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। और एक बात देखिए, उसके पीछे जुडिशियरी देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ के लिए तीन तीन कोर्ट एक एक दिन में बैठता है, लेकिन करोड़ों निवेशक और लाखों कार्यकर्ताओं के लिए किसी को कुछ नहीं दिखता है। ये हो गया दो। बाकी बचा गवर्नमेंट की बात। गवर्नमेंट में देखिए, सहारा ने सहारा को लाइसेंस मिला था, और उसके वजह से वो मार्केट से पैसा लिया, और ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूट होने के नाते हर महीना इसका ऑडिट चलता है। अगर ऑडिट में कुछ कमियां होता तो ये बंद करते, अगर नहीं बंद किए तो किस लिए बंद नहीं किए। ये सब बहुत उलझा के रखे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादातर इसमें रेस्पॉन्सिबल है। और एक बात, जब हम बैंक जाते हैं, अगर कोई लेता है एक लोन तो अपना सारे प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, उसके बाद एक वारंट गारंटर देता है, उसके बाद उसका लोन मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो उसका प्रॉपर्टी बेचा जाता है, उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो गारंटर उसको गारंटर से रिकवरी किया जाता है। ठीक है, उसी तरह जैसे गवर्नमेंट सारा को परमिशन लाइसेंस दिया, उसी की वजह से यह हुआ। तो अभी क्या है, सहारा के पास जितना प्रॉपर्टी है या जितना पैसा भी है वो सब लोगों को देना चाहिए, अगर बाद में कुछ बच जाता है तो गवर्नमेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और गवर्नमेंट अपने देना चाहिए वो पैसे को, क्योंकि हमारा स्टेट, हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मेडिकल में कितना खर्चा करता है गवर्नमेंट, क्या उसको मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वो सिर्फ जन कल्याण राष्ट्र है, इसीलिए लोगों के लिए उसको खर्चा करना है। उसी तरह करोड़ों लोग अगर आज परेशानी में है तो उसको उसके जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की बनता है कि कैसे लोगों का पैसा सही उनके पास चला जाए। यहाँ जितना, और आज का जो सीआरसीएस है एकदम बकवास है, कुछ नहीं मिलेगा वहां से, एकदम मतलब वहां का सिस्टम भी मैं देखता हूँ एकदम बिल्कुल उसमें से कुछ नहीं है, 1% भी पेमेंट नहीं होगा, और 5,000 रुपया जो आया है ना, 5,000 रुपया वो वापस चला जाएगा, कुछ ना कुछ बहुत कम सा पेमेंट होगा और सब वापस चला जाएगा, ये जान के रखिए, क्योंकि उन लोगों को जो सिस्टम किए हैं उससे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा एक साथी का 5,80,000 रुपया, उसका तो 80 लाख 90 लाख रुपया का डिपोजिट है, तो उसका एक आया था 5,80,000 उसका डिपोजिट था, तो बोला उसका रिटर्न दो। अरे वो 10 साल का उसका जो स्कीम था वो 15 साल का स्कीम था, 9 साल 8 महीना उसने पैसा दिया है, उससे मिला के 5,80,000 रुपया दिया हुआ है उसका, अब वो बोल रहा है कि उस तारीख का तो निकाल के दो, ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। कहां से लाके देगा वो, संभव नहीं है। ऐसे ही भूल भुलैया में सीआरसीएस डिपोजिटर्स को पूरा भूल भुलैया में भुलाता रहता है, और कुछ नहीं है। यहाँ पैसा मिलना सीआरसीएस से एकदम उम्मीद छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जितने सारे डेफिशिएंसी देखिए, नेम पे क्या होता है, देखिए आपका नाम आशुतोष है वो लगा रहता है लास्ट में, और हिंदी भाषा भाषी और साउथ में जाइए, हमारे उड़ीसा में आइए, सब में लेटर का भेरी करता है। जैसे मेरा नाम अनंत है,
एन एन टी ए होता है, नहीं तो एन एन टी ए टी भी होता है, तो ए लगा देने से वो गलत हो गया। लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर अपना मातृभाषा में हम लिखें तो वही सही रहेगा। उसमें जैसे साहू होता है, सौ सौ पे आकार और एच हो पे रू कर देने से साहू होता है। उसी तरह कोई एच यू लिखता है, कोई वो लिखता है, इसमें गलत हो जाता है। आचार्य जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस पर थोड़ा आज प्रकाश डालना चाहिए सबको जी, कि उनके दोनों बेटे जी आखिर क्यों नहीं आए। वो तो बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। एक हमारे हिंदू धर्म के मान्यता अगर है तो उसको अगर हम लेके चले तो चाहे क्या कब बेटा साथ दे ना दे, कम से कम मरते वक्त तो कंधा देना चाहिए। यह तो एकदम पूरा एकदम है।